हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 43। जैसा कि हमारा मैंने बताया था 45 डे रिवीजन सीरीज जो चल रहा है, तो उसका ये 43 लेक्चर है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब जितने भी सेशन आएंगे वो उसमें हम लोग बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। तो ये बिहार स्पेशल का सेशन है और इसमें हम लोग हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उसको हम लोग करने वाले हैं। 45th से लेके 66 बीपीएससी प्रीलिम्स तक के जितने भी सवाल पूछे गए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बिहार से संबंधित, उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारा है आज हिस्ट्री का पार्ट वन है। हिस्ट्री का 2 या 3 वीडियो हमारा होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे बिहार ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद एक जो वीडियोज होगा मिसलेनियस होगा, जिसमें हम लोग सेंसस देख लेंगे, ओके, और जो भी चीजें हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले आप जान लें कि बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो है प्रहार टेस्ट सीरीज, इसको आप परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस इसका बहुत ही लो है, होली के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आप इसको परचेज अभी कर सकते हैं। इसमें 10 बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, ऑफिसर्स के द्वारा सारा तैयार किया गया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। और मैंने बताया था कि जो सारे जो टेस्ट हैं उसमें कैसे कैसे आपके सिलेबस है, मीन्स किस तरह से सारे 100 टेस्ट सीरीज में कौन कौन सा चैप्टर कवर किया जाएगा, फुल है या क्या है, वो मैंने कवर आपको बताया था उस वाले वीडियोस में, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ें मिलेगा, उसके बाद जितने भी टेस्ट सीरीज हैं लाइव आपको होंगे, सारे टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन देने होंगे, उसके बाद उनका पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो 67th प्रीलिम्स के लिए प्रहार टेस्ट सीरीज है, इसके पहले एक और टेस्ट सीरीज था उसको परचेज कर सकते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से परचेज कर सकते हैं। बिहार स्पेशल है, तीनों को कंबाइंड रूप से परचेज कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के अंदर हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ाया है, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला सवाल होगा इसको हम लोग देखेंगे। पहला सवाल हमारा है, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज पेपर इन बिहार। बिहार में सर्च लाइट अखबार के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट अखबार था, उसे सब संपादक है मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद हैं जो बिहार में सर्च लाइट अखबार के संपादक है। यहाँ देख सकते हैं सर्च लाइट जो जो न्यूज पेपर था ये वीक में दो बार होता था, ठीक है, 1980 में बाई वीकली था, मीन्स की वीक में दो बार ये प्रकाशित होता था। 1920 में ये 3 बार होने लगा प्रकाशित, और 1920 में और 1930 में ये डेली आने लगा, ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सैयद हसन इमाम थे, इसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, और सैयद हैदर हुसैन हैं और महेश्वर प्रसाद हैं, इनके पहले एडिटर हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो देख सकते हैं इसमें इन दोनों का नाम नहीं, लेकिन मुरली मनोहर प्रसाद हैं वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर हैं इस न्यूज पेपर का। 28 में मोतीलाल नेहरू, तेज नारायण शाहपुरू और सुरेश चंद्र बोस ने इस न्यूज पेपर का डिफेंड किया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, ओके। ये देख सकते हैं मैंने इधर हिंदी और इंग्लिश इस बार दोनों चीजें रखा क्योंकि बिहार स्पेशल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका गठन किया गया फुलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण है, फुलन प्रसाद वर्मा है, राहुल संकीर्तन है, अब्दुल बारी है, गंगा शरण सिन्हा है और अंबिका कांत सिन्हा, इन सबनों मिलके 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ओके। और उत्तर प्रदेश में इसका स्थापना संपूर्णानंद के नेतृत्व में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। इतने सारे आप देख सकते हैं इसमें 3 सवाल तो ऐसे ही बने हुए हैं और ये तीनों सवाल रिपीट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इसके सचिव कौन थे? ये सवाल हाँ बार बार पूछा गया तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो फुलन प्रसाद वर्मा इस सवाल का उत्तर होगा, देख लीजिएगा एक बार। सवाल नंबर 3, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। देखिए भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ, ओके, इसका नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर जो हमारे आंसर है यहाँ पे उत्तर होगा महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ है, इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में इसका नेतृत्व किया। अब देख सकते हैं महात्मा गांधी ने 24 दिन का ये जो मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से दांडी तक के, ये तो पता होना चाहिए, ओके। पीपल इन लैंडलॉक बिहार पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह बाय प्रिपेयरिंग साल्ट पीटर आउट ऑफ अर्थ, जो सोरा से बनाया था साल्ट को। सारण चंपारण पहले डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। कराके चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा ने इसको लेड किया था,
और राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को मतलब कहने का मतलब लोगों को उसकाया था या अर्ज किया था डेट कि आप लोग चौकीदारी टैक्स को पे नहीं करेंगे। चौकीदारी टैक्स इस तरह का टैक्स था कि हर एक गांव या दो तीन गांव में एक चौकीदार होता था, फिर उस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, तो वो एक तरह से स्पाइंग का भी काम करता था, प्लस में थोड़ा सा लोकल प्रशासन में थोड़ा देखता था। तो उसको वो जो टैक्स देना पड़ता था अलग से टैक्स उन चौकीदारों के लिए गांव वाला के लिए, तो वो टैक्स देने के लिए मना करवा दिया था। जसौल सत्याग्रह वाज ऑब्जर्व इन भागलपुर अंडर महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एंड जहरुल हसन हाशमी, ये सारे ने सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर में किया था। राम दयालु सिंह हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को मुजफ्फरपुर में किया। पटना में अंबिका प्रसाद सिन्हा जो थे, जो सर्चलाइट के मैनेजर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया। तो ये आप सारे देख सकते हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं इनके बारे में ध्यान दीजिए। बिहार हिस्ट्री में जो आपका पोर्शन है एंसेंट का, तो बिहार हिस्ट्री में जो एंसेंट का पोर्शन है ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पे सब कुछ ये कवर हो गया था। अंबारी सत्याग्रह 1939 में किसने नेतृत्व किया? देखिए अंबारी सत्याग्रह 1939 में जो नेतृत्व में जो स्टार्ट किया गया, ये राहुल संकरत्यान के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया। अब राहुल संकरत्यान के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश के थे, इस बात ध्यान रखिएगा। इनका नाम केदारनाथ पांडे था स्टार्टिंग में। उन्होंने बहुत ही दुनिया भर के जगहों पे इन्होंने घूमा, और उनकी एक बुक भी है भारतीय, इनको बोलते हैं इसे भी भारतीय यात्रा वृतांत साहित्य का जनक। ओके, इनको इस नाम से जाना जाता है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर की बात करेंगे 5 का, कह रहा 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस इसलिए मनाते हैं, इस बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था जब दिल्ली दरबार लगा था, तो इसलिए हम लोग इस दिन 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ओके, देख सकते हैं बिहार दिवस 22 मार्च को, क्योंकि इसमें बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। जो मॉडर्न स्टेट है बिहार का, वो बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश ने बंगाल को 3 प्रोविंसेस में बांटा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आसाम में, ठीक है। 22 मार्च को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग का गठन हुआ। देखिए बंगाल तो अलग हो गया, बिहार उड़ीसा दोनों एक साथ हुआ, ठीक है। बाद में उड़ीसा भी इसको इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, करा कि यूसुफ शाह चाक है जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर घाटी का या कश्मीर का, हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाई मुगल एम्पायर, अकबर के द्वारा उसको निर्वासित किया गया था बिहार, उन और उसको कहाँ दफनाया गया? देखिए बिहार में आ गया और बिहार में रहना स्टार्ट किया, तो उसको दफनाया जो गया वो नालंदा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? नालंदा में। ये जो यूसुफ शाह चाक हैं, ये चाक डायनेस्टी के थे और कश्मीर के अंतिम स्वतंत्र ये शासक थे, और यूसुफ शाह हैं जो अपने पिता अली शाह के बाद गद्दी पर बैठे थे, उनको मुगल एम्पायर अकबर ने कैदी बनाया था, और उसके बाद बिहार में उनको भेज दिया था। बिहार में भेजा उनको, फिर वहां पे जमीन वमीन कुछ दिया गया इस्लामपुर ब्लॉक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे 500 सोल्जर रखने का परमिशन दिया गया, ठीक है। वहां पे वो सेटल्ड हो गए, और उसलिए उस एरिया को कश्मीर चाक बोला जाता है। और वो 1592 में उड़ीसा में इनका डेथ हुआ, लेकिन उसकी बॉडी को लाके फिर से विश्वाक जो कश्मीर चाक के बगल में था वहां पे दफनाया, इट मीन्स की नालंदा में दफनाया गया। हबा खातून एन इमिनेंट कश्मीरी पोएटिस वाज वाइफ ऑफ यूसुफ शाह, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 7, हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ओके, तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, अगर हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पूरा उनके बारे में यहाँ पे चीजें हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो एक अंतरिम प्रेसिडेंट बने थे संविधान सभा के, या आप बोल सकते हैं कि अस्थायी प्रेसिडेंट बने थे संविधान सभा के। ओके, तो उनका जन्म आरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसके बाद वो लंदन गए, लॉ का स्टडी किए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 1893 में उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना कैरियर स्टार्ट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर पटना हाई कोर्ट में। ओके, फिर उनको बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो चुने भी गए थे 1910 में। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेपरेट डिमांड की बात की थी कि बिहार को अलग से डिमांड प्रोविंस किया जाए, ठीक है, अलग से प्रोविंस बनाया जाए। ओके, अब फिर इसके बाद कहीं ना कहीं 1911 का दिल्ली दरबार लगा, 1912 में बिहार अलग हो गया। ओके,
उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी बनाया अपनी वाइफ के याद में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपीरियल रिसर्च काउंसिल का मेंबर 1910 से 1920 तक, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल रिसर्च असेंबली 1921 में, गवर्नर एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे, बिहार वाला जो गवर्नर एग्जीक्यूटिव था काउंसिल था उसके मेंबर रहे। ओके, तो ये आप सारी चीजें आप देख सकते हैं। इनका एक बुक है इंडियन नेशन, ठीक है, सॉरी, इनका जो इंडियन नेशन और हिंदुस्तान रिव्यू, दोनों का ये हिंदुस्तान रिव्यू का एडिटर रहे और इंडियन नेशन का ये पब्लिशर रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है वहां के, ठीक है, कि इंडियन नेशन के पब्लिशर के रूप में कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोविंशियल किसान सभा, ये सवाल बहुत ही फेवरेट सवाल है, स्टार मार ले, ये सवाल आना है, 100% आना है, ठीक है। तो प्रोविंशियल किसान सभा जो है, इसका गठन की बात करेंगे, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। तो स्वामी सहजानंद के द्वारा 1929 में किया गया था। ये सवाल को घुमा फिरा पूछता है, क्या पूछता है कि प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब किया गया, तो 1929 में। फिर कहता है किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सवाल घुमा फिरा के हमेशा पूछता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 9 की बात करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री पटना में 1632 में ओपन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसमें नहीं जानना। स्वराज दल जो है बिहार में, इसका स्थापना किसके द्वारा किया है, स्वराज दल की बात करेंगे, इसका स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। स्टार्टिंग में 1922 में जो गया का सेशन हुआ था कांग्रेस सेशन 1922 में, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और सी आर दास चाहते थे कि जो अगला आने वाला जो इलेक्शन है उसमें रिप्रेजेंट करें हम लोग, क्योंकि उसमें कांग्रेस नहीं चाहते थे कि 1923 वाले इलेक्शन में सब, मतलब कहने का मतलब कि कॉन्टेस्ट करे, इसलिए स्वराज दल थे, इन्होंने स्वराज दल का स्थापना किया गया, ठीक है, 1922 में। और देख सकते हैं कि बिहार और ओडिशा के जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें उन्होंने 1923 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 13 स्वराजिस्ट इस काउंसिल में इलेक्टेड हुए, ठीक है, 13 स्वराज दल के नेता चुने गए। तो बिहार में जो किया गया वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 11, 1857 का रिवोल्ट बिहार में किसके द्वारा, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुंवर सिंह सवाल का उत्तर होगा, लेकिन पटना पूछेगा तो पीर अली खान होगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विंसेंट आयर, ये महत्वपूर्ण है जो इनका कहीं ना कहीं विरोध किया था, ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 12, हु लेड कल्टीवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो बिहार में असहयोग आंदोलन आया तो उसमें जो किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो किसानों का जो नेतृत्व किया गया वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया, ओके। उन्होंने एंटी लैंडलॉर्ड मींस की जमींदार के खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट लॉन्च किया गया, ओके, और 1920 के इलेक्शन में वो काउंसिल्स के चुनाव में वो इलेक्टेड भी हुए थे, ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो भी आंदोलन किया गया किसानों के द्वारा उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। इसमें से कह रहा है कि कौन सा टेरिटरी है जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ मतलब आदिवासी लोग वहां के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। देखिए, तो आदिवासी की बात करेंगे तो बिहार वाला क्षेत्र है, काठियावार है, पंजाब है, सिंध, इस चारों जगह के क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो बिहार के आदिवासी जो क्षेत्र था उसमें झारखंड वाला एरिया देख सकते हैं, तो जैसे संथाल है आपका, ओके, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं विद्रोह हुआ, तो नन ऑफ द एवर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एवर हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर ध्यान रखिए। ये सारे जो आपके देख सकते हैं, कोल ऑफ छोटा नागपुर है झारखंड 1831 में, संथाल 1855 में, बस्तर छत्तीसगढ़ 1910 में, ये सारे आपको जितने भी रिवोल्ट हैं आपके ट्राइबल रिवोल्ट, वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलेंगे सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 की बात करेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है कि पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का इंडिया में, तो जो सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ महात्मा गांधी का इंडिया में 1917 में, वो था चंपारण का सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण का सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया वो 1917 में किया गया, पहला था, तीन कथिया सिस्टम को लेके था, जो वहां पे नील की खेती करवाया था, जो आपके 20 कट्ठा है उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, और बहुत सारे वहां पिजन थे उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था बिहार में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए राजकुमार शुक्ल, सॉरी रामचंद्र शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो इसलिए वहां पे चंपारण सत्याग्रह को पहला सत्याग्रह माना जाता है 1917 में, ठीक है। अहमदाबाद वाला 1918 में, खेड़ा वाला 1918 में, ठीक है, ये दोनों सत्याग्रह 1918 में हुआ, इस बात को ध्यान रखें। अहमदाबाद मिल के लिए था और 1918 में जो खेड़ा था वो भी आपका किसान के लिए था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलेंगे हम 15 की ओर। सवाल नंबर 15 कहता है कि गांधी, देखिए नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट 1920 का हो, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। गांधी ने लोगों से बोला कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें, मीन्स कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें तो एक बहुत बड़े ब्रिटिश को रेवेन्यू
का घाटा पड़ेगा। और यही हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा राजस्व की घाटा हुआ, क्योंकि लोग दारू पीना कम किया, दारू जब पीना कम किया अल्कोहल, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा, तो वो बहुत ज्यादा कम गया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो अगर हम बात करेंगे जो उस प्रांत का जो गवर्नमेंट था, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया जिसमें बहुत बड़े बड़े इतिहासकार की बात कर ले, बहुत बड़े इतिहास में ऐसे ऐसे लोग थे, मीन्स कहने का मतलब, जिन्होंने दारू पिया था, ठीक है। तो बोला कि अरे यार, जब इतने बड़े बड़े लोग जो इतिहास रचे हैं उन्होंने दारू पिया है, तो आप लोग दारू क्यों नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा सरकार के द्वारा एक तरह से सर्कुलेट करना पड़ा कि लोग फिर दारू पिए। तो वो प्रोविंस कौन सा था, किस प्रोविंस में ऐसा काम हुआ था, तो वो प्रोविंस है आपका बिहार वाला, ठीक है। बिहार वाला प्रोविंस था, बिहार का उड़ीसा का प्रोविंस था, उसमें सारे चीजें देखिए देख सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा में देखिए लिस्ट बांटा, जैसे उस लिस्ट में कौन था, मोसेस था, सिकंदर का है, जूलियस सीजर है, नेपोलियन है, शेक्सपियर है, ग्लैडस्टोन है, टेनिसन है, बिस्मार्क, इन सारा का नाम था कि इन लोग अल्कोहल का सेवन करते थे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, तो इस सवाल को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 16 है, साल्ट सत्याग्रह हुआ बिहार में, तो चलो साल्ट को तो लेके सत्याग्रह हुआ ही था, लेकिन और भी कौन सा चीज था जो बिहार के लोगों ने टैक्स देने को मना किया। मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को बोला कि चौकीदार टैक्स आपको नहीं देना है, तो चौकीदार टैक्स सवाल का उत्तर होगा, ठीक है, चौकीदार टैक्स सवाल का उत्तर होगा। ओके, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन इन फरवरी 1938। आपको पता है कि 1937 में चुनाव हुआ, लोग इलेक्टेड हुए, लेकिन 1939 में लोग रिजाइन देते हैं पूरे, अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो रिजाइन देते, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बोल दिया गया था कि इंडियन लोग हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1938 में बिहार के जो गवर्नमेंट था उसमें लोगों ने रिजाइन क्यों किया। इसका काम था कि जो भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो भी राजनीतिक बंदी थे, जो जेल में बंद किए गए थे अंडमान इस समय, उनकी रिहाई को लेकर इन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था कि उन लोगों को रिहाई करे, तभी हम लोग करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि 1937 में इलेक्शन में नया नया आपका मिनिस्ट्री बना, और जितने भी अंडमान निकोबार आइलैंड के थे उनको, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको हजारीबाग जेल में भेजा गया, और इसलिए वहां पे 30 जनवरी 1938 को पॉलिटिकल प्रिजनर डे मनाया गया था, ठीक है। उन्होंने डिमांड किया कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको उनको रिलीज किया जाए, और उनके रिफ्यूजल हुआ, गवर्नमेंट गवर्नर उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो 26 फरवरी 1938 को सारे ने रिजाइनेशन दे दिया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हरिपुरा सेशन जो कांग्रेस का 1938 में हुआ, फिर और इस जो बिहार के मंत्रालय ने इस तरह से काम किया उसको अप्रूव भी किया, और मिनिस्ट्री ने सारे लोगों ने फिर 26 फरवरी को फिर से रिजाइनेशन को वापस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने का बात था वो चीज सब मान लिया गया था, क्योंकि 12 मार्च 1938 को सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दिया गया बाद में, तो ध्यान रखिएगा। स्वर्ण भूमि के राजा जिन्होंने बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री लंदन में स्थापना किया और देवपाल को बोला कि 5 गांवों का मुझे जो भी रेवेन्यूज है वो हमको दे दीजिए इसके मेंटेनेंस के लिए, सेम सवाल है। देखिए पाल डायनेस्टी से थोड़ा सवाल हमारे बिहार स्पेशल में पूछता है, यहाँ पे जो उत्तर होगा बालपुत्र देव है। देखिए उन्होंने कहने का मतलब ये है कि देवपाल से ये आवेदन मतलब रिक्वेस्ट किया था कि 5 गांवों को जो ग्रांट है हमें दे, क्योंकि ये जो बौद्ध मठ का स्थापना हम लोगों ने किया नालंदा में उसका देखरेख कर सके, ठीक है। बख्तियार खिलजी का जो इन्वेजन है आपको पता है बिहार में जो किया, नालंदा विश्वविद्यालय को उड़ाया। ओके, तो ये जो इसका जो विवरण जो मिलता है वो आपको तबकत ए नासिरी में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तबकत ए नासिरी जो है मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो तारीख ए नासिरी यहाँ पे तारीख लिखा गया है, तबकत ए नासिरी ये बुक है, इस बुक में मीन्स की आपको विवरण मिलेगा बिहार में आक्रमण का बख्तियार खिलजी का, ध्यान रखिएगा। जितने भी सवाल हैं आपके बिहार में डायवल हिस्ट्री का, बिहार में डायवल हिस्ट्री का वीडियो पढ़ा होगा देख लीजिएगा, सारा आपको सही हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ टेनेंट्स ऑफ लैंड्स इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी, सेम चीजें हैं कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा बंगाल और बिहार के टेनेंट्स का राइट्स को कब रिकॉग्नाइज किया गया, तो 1885 सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। बिहार कब बना सेपरेट प्रोविंस, सिंपल सवाल, 1912 में। ओके, उसके बाद है कि सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 1931 में हुआ, तो ये मैं बता चुका था कि अब्दुल बारी है, जयप्रकाश नारायण है, फूलन प्रसाद वर्मा है, ये सारे इनके कहीं ना कहीं मेंबर के रूप में रहे, फाउंडर मेंबर के रूप में रहे। सवाल नंबर 23 कहता है कि इनमें से कौन लीडर है वो जो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री के लीडर के रूप में हुए, देखिए पहला जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बिहार में बना उनके जो नेता होते हैं ना, जैसे देखते हैं कि अभी भी बहुमत दल के एक नेता होते हैं, तो वो किनके कौन थे,
तो बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रालय के जो नेता है वो है श्री कृष्ण सिंह है। देखिए प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 1936 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत तो कांग्रेस 8 स्टेट में, देखिए 11 में से 8 जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी थी 11 प्रोविंस में। तो बिहार का मिनिस्ट्री था उसका जो मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला कि आप चुनिए कि बिहार के जो मिनिस्ट्री कांग्रेस मिनिस्ट्री है उनके नेता कौन बनेंगे। ओके तो उसके उस रेस में 4 लोग थे, श्री कृष्ण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सैयद महमूद थे और राम दयालु सिन्हा थे। तो उसमें से श्री कृष्ण सिंह को सिलेक्ट किया गया एज लीडर ऑफ बिहार लेजिस्लेचर पार्टी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा सेमसी 1929 में स्थापना हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापना किया, सिंपल सवाल है। ओके और देख सकते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है जिनके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ओके और बहुत सारे लोग जैसे जदुनंदन शर्मा है, कारानंद शर्मा है, राहुल संकृतियान है, ये सारे लोग जो हैं आपके बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से संबंधित हैं। और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुआ था और इसके भी प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद ही थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर की बात करेंगे 25 का, कौन से एक्ट के तहत बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बना। देखिए बिहार को सेपरेट प्रोविंस बनाने की बात जब हुई तो ध्यान रखिएगा वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। 1936 की बात करेंगे तो बिहार एकदम सेपरेट बन गया ओडिशा से अलग होकर, ठीक है। 1936 ये मैंने सवाल पूछा था और यही सवाल यहाँ पे आ भी गया, ठीक है। ये देख सकते हैं सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या क्या चीजें थी, ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस किया हूं लेकिन यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। सवाल नंबर 26, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन से जर्नल को पब्लिश किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, उसके उसके कहने का मतलब कि अध्यक्ष के रूप में रहे। ओके तो उसके बाद इन्होंने जो एक पत्रिका जो प्रकाशित किया वो पत्रिका है हुंकार, हुंकार पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जितनी भी चीज है वो आपके सामने है, सुन लिए, ठीक है। इनके और भी बहुत सारे इनके काम है, देखते हैं आप देख सकते हैं गया के किसानों की करुण कहानी, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान सभा के संस्मरण है। ओके ये सारे आप देख सकते हैं, आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 27, अनुशीलन समिति का एक ब्रांच पटना में स्टैब्लिश किया गया, जितने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे उसको काम करता था अनुशीलन समिति। तो इसका जो पटना ब्रांच बनाया गया 1913 में, ये ब्रांच शशिधरनाथ सान्याल के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ओके किसान सभा मुंगेर में इसका गठन आयोजन किसने किया, तो किसान के जो किसान जो सभा था मुंगेर 1922-23 में। ओके ऑल इंडिया प्रोविंशियल किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अलग है, यहां पे है कि मुंगेर में जो किसान सभा था उसका आयोजन 1922-23 में जो किया गया था वो किया गया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुवैर के द्वारा। ओके देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में और मोहम्मद जुवैर दोनों के द्वारा मुंगेर में इस किसान सभा का आयोजन किया गया था। ओके फिर बाद में 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती चीज को स्ट्रॉन्ग बेस में लेंगे और 1929 में सोनपुर में किसान बिहार बीपीकेएस का स्थापना कर देंगे। ओके सवाल नंबर 34 का था कि बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन 1934 में हुआ, ठीक है, इसके सेक्रेटरी कौन थे। इसके सेक्रेटरी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण इसके सेक्रेटरी थे और आचार्य नरेंद्र देव जो थे इनके अध्यक्ष के रूप में होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन है मेंबर संविधान सभा के बिहार से। देखिए संविधान सभा के जो मेंबर चुने गए थे जुलाई 1946 में, तो उसमें से बिहार में कौन कौन लोग थे, इसमें जितने ऑप्शन आप सारे देख रहे हैं सारे लोग शामिल थे, ठीक है। इतने लोग बिहार से थे संविधान सभा में, आप देख लीजिए सारा नाम आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना, सारा नाम नहीं याद रखना, जैसे मेन में अनुग्रह नारायण सिन्हा है। ओके उसके बाद आप देख सकते हैं कि जगजीवन राम है, ये महत्वपूर्ण है। ओके केटी शाह है, ये महत्वपूर्ण है, केटी शाह के द्वारा एक कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे कमेंट्स किए गए जो आपके सवाल पूछते हैं हमेशा बीपीएससी में। ओके उसके बाद और भी मैं आप श्री कृष्ण सिंह है महत्वपूर्ण, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद तो हो गई आपको सबको याद है, सचिदानंद सिन्हा है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। हम चलेंगे सवाल नंबर 31, पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में कब नाम रखा गया। तो जब गांधी जी का डेथ होता है उसके बाद पटना जो लॉन था उसका नाम गांधी मैदान रखा गया। पटना लॉन का इस्तेमाल पहले ब्रिटिश लोग करते थे रेस कोर्स के लिए, रेस के लिए, इस सारे चीज के लिए। ओके तो पटना लॉन का नाम गांधी मैदान गांधी जी के डेथ के बाद रखा गया, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो हमारा 31 सवाल आज हम लोगों ने किया और
बहुत अच्छे तरीके से मतलब बिहार स्पेशल लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे, जितनी मैं यहाँ पे सेशन लेता हूँ सब लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग सेशन को शेयर करते हैं। सेशन को शेयर करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा, और वो सेकंड वीडियो जो हमारा कल का वीडियो आने वाला है, वो कल का वीडियो आने वाला है बजट एमसीक्यू का। कल का वीडियो बजट एमसीक्यू का आएगा वीडियो, फिर हमारा 70 डेज जो रिविजन सीरीज का उसका वीक 4 का रूटीन आएगा। ओके, तो ये सारे वीडियोस कल आपको मिलने वाले हैं, बजट एमसीक्यू जितने भी बजट के सवाल बनेंगे हम लोग सारे करने वाले हैं कल के वीडियो में। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।